देख रहे हैं खटपट न्यूज। महासमुंद जिले में पदस्थ महिला एवं बाल विकास अधिकारी की गांधीगिरी देखने को मिली। ये महाशय भ्रष्टाचार के मामले में अपने ही उच्च अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने पर अनशन पर बैठ गए। पहले मकान के एक हिस्से में बिना अनुमति के अनशन पर बैठने वाले इस अधिकारी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अनशन पर बैठे महासमुंद के महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुधाधर बोंदले ने अपने जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं रेडी टू ईट योजना में लगभग 30 लाख रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, मगर कार्रवाई नहीं होने के चलते वह अनशन पर बैठ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज, महासमुंद। महिला बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोंदले जी के द्वारा कल कोतवाली में अनशन की सूचना जिला प्रशासन द्वारा दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। और इसी तारतम्य में आज बोंदले जी का मेडिकल भी कराया गया है, जिसमें सभी चीज़ें सामान्य पाई गई हैं और वर्तमान में इनको समझाइश दी जा रही है। फिलहाल उनको समझाइश दी जा रही है, उनके सभी जो मामले हैं विभागीय प्रक्रिया संबंधित हैं और इनके विभाग का मामला है, तो उनको समझाइश दी जा रही है।